गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज़ माय टॉपिक इज़ फूड इंटॉक्सिकेशन। इसका मतलब कि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, वो माइक्रोब्स कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग हार्मफुल होते हैं, उनको हम फूड इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। इनमें से बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, जिसमें से फर्स्ट स्ट्रेन हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इस वीडियो सेशन में हम इनके कॉजिटिव एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, फूड कौन कौन से इन्वॉल्व्ड हैं, थर्ड वन इज़ सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और चौथा है प्रिवेंशन मेजर्स कौन कौन से ले सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम कहते हैं एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और इन्फ्लेमेशन करते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ये जो एंटेरोटॉक्सिन है इनकी मॉलिकुलर वेट 25,000 से 30,000 तक होती हैं। ये अबाउट 6 तरह से होते हैं, एंटेरोटॉक्सिन ए, बी, C1, C2, डी और ई। जो एंटेरोटॉक्सिन ए होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट फूड पॉइजनिंग डिजीज़ को कॉज करता है कुछ, और ये ऑकरेंस क्या होता है, ये क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं लाइक ग्रेप्स की तरह, और शॉर्ट चेन स्प्रेड में प्रेजेंट हो सकते हैं या तो पेयर में प्रेजेंट हो सकते हैं। इनमें अब इनके कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये कोगुलेज जो एंजाइम है इनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ये जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करेंगे कुछ ऐसे स्टेबल न्यूक्लियस जो कि हीट में भी स्टेबल होते हैं। ये जो होते हैं ये फैकल्टेटिव एनएरोबिक होते हैं, प्रोटियोलाइटिक इन नेचर होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ऑर्डर। इनका जो टेम्परेचर रेंज है वो है 4 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्टिमम जो कि प्रेजेंट होंगे ये लोग वो है 45 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हमने डिस्कस कर रखा है ये फैकल्टेटिव एनएरोबिक होते हैं, इट मींस कि वो एरोबिक और एनएरोबिक में दोनों जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग वाटर एक्टिविटी और पीएच दोनों डिफरेंट है, अगर मिनिमम पीएच है अगर एनवायरनमेंट में तो ये एरोबिक की तरह एग्जिबिट करेंगे अपनी लाइफ को, अगर मैक्सिमम पीएच है तो ये एनएरोबिक की तरह काम करेंगे। उसी तरह अगर वाटर एक्टिविटी कम है तो एरोबिक की तरह करेंगे, और मैक्सिमम वाटर एक्टिविटी है तो एनएरोबिक। इनके कुछ सोर्स हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे स्किन में हमारे इन्फेक्टेड अगर वाउंड है वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो अपर पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं और राउंड शेप होता है इनका। ये फूड कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कस्टर्ड हो गया, जो भी क्रीम फिल्ड बेकरी प्रोडक्ट हो गया, मीट उनके और उसके प्रोडक्ट, फिश और उसके प्रोडक्ट, मिल्क और उसके प्रोडक्ट, क्रीम सॉसेस, सैलड, पाइज, पुडिंग। इनके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हैं सेलिवेशन, देन नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, हेडेक, मस्कुलर क्रैम्पिंग, चिलिंग, स्वेटिंग, डायरिया। कुछ हमारे पास प्रिवेंशन मेजर्स हैं जिससे हम इस तरह के फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया से अपने आप को बचा सकते हैं, जो कि है अगर हम प्रिवेंट कर दें कंटामिनेशन इस बैक्टीरिया को अपने फूड से, या तो हम उनके दूसरा मेथड है कि हम ग्रोथ और किलिंग जो दो प्रोसेस हैं उनको हम रोक दें, और ऐड करें बैक्टीरियोस्टैटिक सब्सटेंस जैसे सेरिंस हुआ, एंटीबायोटिक्स हुआ हमारे फूड में, जिनसे कि ये बैक्टीरिया ग्रो ना करें। फोर्थ होता है रेफ्रिजरेशन। ये सारे मेथड्स हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को। थैंक यू।